हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शिव इंग्लिश एजुकेशन। आज का हमारा वोकैबुलरी वर्ड है गिरवी रखना। गिरवी रखना मींस मॉर्गेज। मॉर्गेज, अ मॉर्गेज इज अ लोन ऑफ मनी दैट यू गेट फ्रॉम अ बैंक इन ऑर्डर टू बाय एनीथिंग। एक बंधक पैसे का ऋण है जो आपको कुछ भी खरीदने के लिए बैंक से मिलता है। चलिए मॉर्गेज के सिनोनिम्स देखते हैं। लीज, अमोर्टाइज, एंक्यूम्ब्रेंस, डीड, कॉन्ट्रैक्ट, लीन एंड टाइटल, ये सभी मॉर्गेज के सिनोनिम्स हैं। चलिए सेंटेंस से समझते हैं। आई एम मॉर्गेजिंग माई गोल्ड टू बाई बिगर हाउस। मैं एक बड़ा घर खरीदने के लिए अपना सोना गिरवी रख रही हूं। अ मैरिड मैन मे नॉट सेल और मॉर्गेज अ होमस्टेड विदाउट हिज वाइफ कंसेंट। एक विवाहित पुरुष अपनी पत्नी की सहमति के बिना अपनी रियासत को न तो बेच सकता है न ही गिरवी रख सकता है। When महेश lost his job, he could not continue with his mortgage payments. जब महेश ने अपनी नौकरी खो दी तो वह अपने गिरवी के भुगतान को जारी नहीं रख सका। आशा है आपको mortgage word समझ में आया होगा। अगर आपको मॉर्गेज वर्ड समझ में आया है तो इससे एक सेंटेंस बनाएं और वह सेंटेंस मुझे कमेंट करना ना भूलें, ताकि दूसरे यूजर्स को भी हेल्प हो सके। होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल हुआ होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें, और ऐसे ही वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।